झारखंड में हुए खेल घोटाला मामले में अब एक बड़ी अपडेट सामने आई है। एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप के दौरान आवागमन के लिए चार पहिया वाहनों का जिम्मा उठाने वाली कंपनी बीके ट्रैवल्स ने अपनी गलती स्वीकार की है। आपको बता दें कि राजधानी रांची में पिछले साल अक्टूबर नवंबर के महीने में एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था। इस दौरान कई तरह की अनियमितताएं सामने आई, जिसके बाद राज्य के प्रतिष्ठित अखबारों ने पिछले दिनों इसे उजागर करने का काम किया। इतनी बड़ी अनियमितताओं का पर्दाफाश होने के बाद बीके ट्रैवल्स ने खेल निदेशक को माफीनामा दिया है, साथ ही डीजल पर वसूली गई जीएसटी की राशि भुगतान को भी वापस करने की बात कही है। आपको बता दें कि प्रतियोगिता के आयोजन के दौरान आवागमन के लिए खेल निदेशालय की ओर से बीके ट्रैवल्स को फोर व्हीलर उपलब्ध कराने का जिम्मा दिया गया था, लेकिन इस बीच बीके ट्रैवल्स ने जो गलती से मिस्टेक किया उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन क्या थी उनकी गलती जिसके वजह से इसे खेल घोटाले का नाम दिया जा रहा है, और क्या ये गलती केवल ट्रैवलिंग कंपनी तक ही सीमित थी या फिर इसमें पूरे विभाग की मिलीभगत थी। दरअसल बीके ट्रैवल्स ने फोर व्हीलर उपलब्ध कराने का जो बिल खेल निदेशालय में जमा किया उसमें 27 वाहनों के डीजल पर 6,49,504 रुपए का भुगतान लिया गया था, लेकिन गाड़ियों के किराए के जीएसटी के साथ साथ डीजल मद की राशि का भी बिल बना दिया गया। ऐसे में गाड़ियों का किराया और डीजल मद में जीएसटी जोड़कर ले लिया गया। डीजल के बिल पर भी 5% की दर से 51,321 रुपए जीएसटी वसूल लिए गए। अब आप ही सोचिए, जब आप कोई गाड़ी बुक करते हैं तो क्या उसमें तेल भरवाने के लिए जीएसटी का भी भुगतान करते हैं? देश में पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, लेकिन खेल निदेशालय ट्रैवलिंग कंपनी पर इतनी मेहरबान हो गई कि आंख मूंद कर बिल वेरीफाई करने के बाद बीके ट्रैवल्स को डीजल के एवज में जीएसटी का भुगतान भी कर दिया। यही नहीं, बीके ट्रैवल्स ने जो बिल जमा किया है उसके अनुसार JH01CJ0777 नंबर की गाड़ी को इनोवा क्रिस्टा बताते हुए बिल जमा किया गया, लेकिन वो कार फॉर्च्यूनर थी। वहीं बिल में JH01DB8055 को स्कॉर्पियो बताकर बिल का भुगतान लिया गया, लेकिन वो कार असल में टाटा सफारी स्टॉर्म थी। JH01AR7900 को स्कॉर्पियो बताकर बिल दिया गया, लेकिन वो कार इनोवा क्रिस्टा थी। यानी गाड़ी का नाम नंबर गलत बताते हुए कंपनी ने विभाग से पैसे ऐंठे। ट्रैवलिंग कंपनी बीके ट्रैवल्स का कहना है कि टाइपिंग मिस्टेक के कारण ऐसा हुआ है। इसके अलावा कई गाड़ियों के इंश्योरेंस भी फेल थे। इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसके सत्यापन के लिए खेल विभाग की ओर से अधिकारियों की एक टीम गठित की गई थी और इस बिल का भुगतान भी वेरिफिकेशन के बाद ही हुआ है। ऐसे में कंपनी के साथ साथ वेरिफिकेशन टीम पर भी सवाल खड़ा होता है कि क्या इस पूरे खेल घोटाले के खेल में इनकी भी मिलीभगत थी? क्या कंपनी के फर्जीवाड़े में अधिकारियों की भी संलिप्तता थी? क्या कंपनी की ओर से उन्हें कमीशन मिला है? और ऐसा ही है तो उन्हें प्रतिशत की दर से कितनी कमीशन मिली है इसकी भी जांच खेल विभाग की ओर से कराई जानी चाहिए। वहीं विभाग से इतने पैसे वसूलने के बाद भी कंपनी सोई रही। अब जब इस ब्लंडर का पर्दाफाश अखबारों के माध्यम से हुआ तो खेल निदेशालय एक्शन मोड में आ गया और बीके ट्रैवल्स ने गलती स्वीकार कर ली। टाइपिंग एरर का नाम देकर दोनों ने ही अपने दाग छिपा लिए। आपको बता दें कि बीते दिनों राज्य की प्रमुख अखबारों के माध्यम से पिछले साल अक्टूबर नवंबर महीने में आयोजित एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप के दौरान हुए अनियमितताओं को उजागर किया गया। 3 नवंबर को गाला डिनर के नाम पर मात्र एक दिन में करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। वहीं आवागमन के दौरान इस्तेमाल की गई बैटरी से चलने वाली ई रिक्शा और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों में भी डीजल भरवाने के नाम पर बिल का भुगतान करने की बात सामने आई थी। इसके बाद खेल विभाग एक्शन मोड में आ गया। खेल मंत्री हफीजुल हसन ने इस गड़बड़ी की जाँच के आदेश दिए। मंत्री ने विभागीय जांच कमेटी गठित करने का पीत पत्र विभाग के सचिव मनोज कुमार को भेजा। मंत्री ने गड़बड़ी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई के भी आदेश दिए।